वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं सरदार सुखविंदर सिंह ग्रंथी पिंड सदा रंग के रहने वाला हाँ। मेरे ही पिंड सदा रंग विच अज जदों मैं मेरा पुत्र रणजोत सिंह सुबह सवेरे सेवा करके घर नूं गया, 7:30 बजे होर सेवादार नाल से घर नूं गए ने। उस तों बाद 8:30 बजे साढ़े पिंड दा एक मुंडा करणदीप सिंह जिसने गुरु महाराज की बेनती की है, एक अंग जो 1029 अंग ते आ वो सफा अंग पन्ना पाड़ दिता। सो उस तों बाद च साढ़े सारे प्रधान साहब होर नगर निवासियों नूं पता लगा, सब इकट्ठे होए ने। डीसी साहब आए, अफसर आए ने, उस तों बाद पत्रकार भी आए ने। यह सब कारवाई हुई है तो जो साढ़े गुरद्वारा साहब कैमरे लगे हुए हैं उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट आ चुका वा, तो उसने मंजूरी भी कर लिया कि मेरे को गलती है कि मैं पाड़ दिता। सो हुण वो बच्चा थाने आ, तो असी गुरु ग्रंथ साहब जो श्रोमणी कमेटी वाले मैंबर साहब वाले को आए ने, पहुँचे ने। आप ग्रंथ साहब लैके श्रोमणी कमेटी दरबार साहब अमृतसर चले हाँ, उत्थे जमा करा के आना वा, उस तों बाद बदली करांगे। बच्चे की उम्र कोई 13-14 साल के बच्चे सी, 6वीं क्लास में पढ़ता बच्चा, 13-14 साल की उम्र आ, पिंड का रहने वाला वा। पता नहीं मन में की गल आई की नहीं, इस करके उन्हें बेबदी कर दी है। तो गुरुद्वारा साहब तो थोड़ा ही सड़क के लागे घर उन्हों का, कोई 10 घर छड़ के उन्हों का घर आता गुरुद्वारा साहब तो। इस करके बेनती आ कि जो भी कार्रवाई पुलिस करनगे, पिंड वाले जो कर रहे हैं, बाकी पुलिस वाले पिंड एक बच्चे दे वल्लों बेअदबी करनी कितना सही है तो गलत आ, क्योंकि बच्चा जो 13-14 सालों का जो सोचिए जानिए तो अपनी मर्जी नाल नहीं कर सकता, हो सकता किसी ने कराई भी हो, लालच दिता हो हो सकती है। क्योंकि 2-3 बारी पहला मारे दे अंग इधर उधर फोले ने, फिर गोल के भी हाथ मारे ने, प्रसाद में ही थुकया गया, तो तीजी बार आन के तो अंग नूं पाड़ दिता, तो अंग उत्थे रख दिता दर ग्रंथ साहिब विच ही। तुसीं उस टाइम किते सीगे? असीं उस वेले घर सी, तो जदों आपां गुरद्वारा साहब बंद करन गए तो वह बच्चा सानूं गुरद्वारों साढ़े भजंगी नूं मिलिया भी आ, टकरिया भजां दा गुरद्वारों, शक दे तौर पर मुंडे ने वेख्या वा, रुमाला साहब लत्था होया सी अद्धा क, तो जदों सारा चुक के वेख्या अपनी मम्मी नाल खड़ के, तो ग्रंथ साहिब दा इक अंग जिहड़ा वो फटिया होया सी। किन्ने बजे टाइम सीगा जदों? 8:30 बजे का टाइम सी। उस टाइम गुरद्वारा साहब कोई नहीं? तो 9:45 बजे के करीब मुंडा गुरद्वारा साहब विच गया वा, तो 8:30 बजे का पाड़िया वा, तो 9:45 बजे ना 10-15 मिनट ही सब कुछ हो गया। क्योंकि साढ़े चाह तो लंगर लगता सवेरे सवेरे, 7:30 बजे भांडे बर्तन साफ करके चाह छका के तो सेवादार घर चले गए ने, फिर आप चंगी ग्रंथी वह भी घर चल गया, तो उस तों बाद संगत भी आन डियां वा। उस टाइम के फिर संगत नहीं कोई आई, तो यह काम हो गया जी। सवेर का टाइम है, अमृत वेल का टाइम है, ये 8:30-9:30 के बच्चे काम होया। हाँ जी, कोई नहीं, उसे गुरद्वारा खाली कोई नहीं जी। सानू पिंड सदा रंग तो टैलीफोन आया सीगा ग्रंथी सिंह सुखविंदर सिंह दा, भी एक बच्चा हैगा करीब उहदी उम्र जिहड़ी 11-12 साल हैगी, तो उन्हें आके तो श्री गुरु ग्रंथ साहब का जोड़ा अंग उन्होंने पाड़ता, ये जी खबर है कि बहुत ही मंदभागी है, ये नहीं कि इदा होना चाहिए। बाकी उन्होंने जो भी ग्रंथी सिंह की स्टेटमेंट दिता आधार से जी बनती कार्रवाई की जा रही, नहीं जी अजे फिलहाल जो भी स्टेटमेंट देगा वो मुताबिक जो बनता फिर उस कार्रवाई की।